पूरा थाना अंतर्गत चौकी कुंदन पर एक गांव लगता है नाड़ जो है 7 तारीख की घटना है। हमको जो है सूचना मिली थी कि वहां पर एक मृतक है, उसका शव जो है वो गेट के पेड़ से लटका हुआ है। उस सूचना के आधार पर वहां पर जो चौकी प्रभारी हैं वो गए और साथ ही साथ में हमारे जो FSL के जो डॉक्टर साहब उनको भी जो है वहां पर रवाना किया है। वहां पर पहुंचने के बाद जब घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया, पुलिस और फॉरेंसिक की उसको देखा गया एविडेंसेस को, उसके आधार पर ये पता चला कि ये प्रथम दृष्टया ये फांसी का मामला नहीं, ये मामला है हत्या का। किन्हीं अज्ञात लोगों के द्वारा मृतक किदिया जो कि वहीं नाल के रहने वाले थे उनको किसी ने मार कर दिया, उसके बाद में फांसी पर लटका दिया है और घटना को छुपाने का प्रयास किया। जैसे ही ये चीज संज्ञान में आई, संज्ञान में आने के बाद तो काफी गंभीरता से लिया गया। गंभीरता में लेने के बाद में मेरे द्वारा हमारे एडिशनल SP विजय रावत जी को बताया गया कि आप स्वयं पर्यवेक्षण करें इसका और अलग अलग टीमें गठित करें। इनके द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया जिनके द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट और मुखबिरी की सूचना लगाई गई और साथ ही साथ में फॉरेंसिक एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंसेस के ऊपर ध्यान दिया। ये एक ब्लाइंड मर्डर का मामला था जिसमें कि पता नहीं था कि ये किसके द्वारा किया गया, कुछ भी आगे क्लू नहीं मिलता। परंतु जैसे जिसको कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर, उसने कितना भी कोशिश करी हो लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है जिससे कि पुलिस उस तक पहुंच जाती है। ऐसा ही इस केस में भी कुछ हुआ। हमको घटनास्थल पर हमारे डॉक्टर साहब ने जब निरीक्षण किया था घटनास्थल का, तब वहां पर एक बटन पड़ा हुआ मिला, एक बटन। वो बटन पड़ा हुआ मिला तब उनको देख रहे थे कि क्या है। तभी पुलिस को एक और भी सूचना मिली कि वहां पर एक और लड़का है आरोपी हरीश, उसका जो है इनके घर पर बहुत आना जाना है और इनके घर में मृतक के साथ में इनकी बहू लागू भाई भी रहती, उनके घर में आना जाना। जब ये पता चला तो उनसे जो है फिर सख्ती से पूछताछ की गई, तब जाकर के ये घटना का संपूर्ण खुलासा हो सका। हुआ क्या था, उस घटना दिनांक को 6 और 7 की दरमियानी रात में जो आरोपी राहू भाई के घर पर आरोपी हरीश का आना जाना था, ये बात पहले भी मृतक फिदिया को पता थी और उसके द्वारा कई बार आपत्ति भी दर्ज की गई थी, परंतु उनके द्वारा इसको नहीं माना गया। उस घटना दिनांक को भी वो आरोपी हरीश उनके घर पर आया था, तब फिदिया के द्वारा मृतक फिदिया के द्वारा आपत्ति रह की गई और बताया गया कि मैं सबको जाके बता दूंगा। जब ये हुआ उसके बाद में दोनों आरोपियों ने लागू भाई और हरीश के द्वारा एकजुट होकर के मृतक को पत्थर और डंडे से मार मार के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में साक्ष्यों को छुपाने के लिए उसको वहां से ले गए और वहां पे एक रस्सी का इंतजाम किया उन्होंने और उस बेर के पेड़ में जो उनके घर से जस्ट लगा हुआ है करीब 50 मीटर दूर है वहां ले गए और उसको लटका दिया। ये